हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी। रेसिपी को फॉलो करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंग्रेडिएंट्स मैं साथ से स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए होगा ऑयल, गाजर, हरा प्याज, नूडल्स स्पेगेटी, कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, बंद गोभी, शिमला मिर्च, बोनलेस चिकन, सोया सॉस, ऑस्टर सॉस। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। तो हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर 6-7% की सर्विंग जो है वो रेडी करनी है, तो मैं उस हिसाब से सारी चीज़ों की क्वांटिटी ले रही हूँ। आप क्वांटिटी अपने हिसाब के मुताबिक भी ले सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स को मैं चॉप कर लूँगी, बिल्कुल फाइन बारीक चॉपिंग करूँगी मैं सारे वेजिटेबल्स की। ओके, यू कैन सी कि मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया, ठीक है। अब मेरी सारी वेजिटेबल्स रेडी हैं, तो अब हम इसके बाद करेंगे चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो ठीक है, हम चिकन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 1 kg बोनलेस चिकन, वॉश कर लेना आपने अच्छी तरह से इसको पहले यूज़ करने से। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tablespoons कॉर्नफ्लावर, 1/2 teaspoon में इसमें सॉल्ट की ऐड कर रही हूँ, 1/2 teaspoon में इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, 2 tablespoons हम इसमें ऑस्टर सॉस ऐड करेंगे। सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने वाटर भी ऐड किया, ऑलमोस्ट 2 tablespoons मैंने वाटर ऐड किया होगा। आपने भी इतना सा वाटर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेना है, ठीक है। फिर हमारा चिकन मैरिनेट होगा, हम जो है नूडल्स बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पानी पैन में डालकर चूल्हे पर रख दिया और मैंने फुल आंच कर दिया। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon मैंने सॉल्ट ऐड किया। पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं नूडल्स को बॉईल कर लूँगी। मैंने नूडल्स जो हैं बगैर तोड़े इसमें डाल दिए। अगर आप लोगों को तोड़ के डालने हैं तो तब भी सही है, वैसे मुझे वैसे नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं पूरे पूरे नूडल्स ऐड कर रही हूँ। अपनी सर्विंग के हिसाब से मैं पूरे नूडल्स का पैक बॉईल कर रही हूँ। और एक चीज़ जो मैं
आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने पानी में नूडल्स बॉईल करने से पहले ऑयल डालना भूल गई थी, तो मैंने वो बाद में ऐड किया, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। तो आप लोग जो है इसमें ऑयल 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर लीजिएगा जब आप नूडल्स का पानी बॉईल करेंगे। ठीक है, नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, अब हम चिकन की तरफ आ जाते हैं। अब हम चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ऐड करके उसको चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल मेरा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। और आप लोगों ने चिकन कोशिश कीजिएगा कि आप नॉन स्टिक पैन में करें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर होता है उसकी वजह से थोड़ा चिकन जो है वो चिपक जाता है, तो आप लोग इसको नॉन स्टिक में अगर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। चिकन को हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दस मिनट फ्राई करने के बाद चिकन जो है वो मेरा अच्छी तरह से पक गया था। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। चिकन भी हमारा फ्राई हो गया और नूडल्स भी बॉईल हो गए। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। उसके लिए दोबारा से मैंने एक पैन लिया, उसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें मैं सबसे पहले कैरेट्स ऐड कर रही हूँ। अपने साथ साथ इसको जो है मिक्स करते जाना। ठीक है, सौते कर लेंगे हम तकरीबन 1 मिनट तक। हम अच्छी तरह से कैरेट को जो है वो सौते करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बंद गोभी, मिक्स कर लेंगे हम इसको। आपने याद रखना है कि आपने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है, मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1-1 मिनट के गैप से मैंने तीनों वेजिटेबल्स को ऐड किया। साथ साथ आप इसको मिक्स करते रहें। और मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया, मुझे ज़्यादा पसंद है, मैंने इसलिए ज़्यादा ऐड किया। ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून मैंने ऐड किया। और 1 टीस्पून हम इसमें अब ऐड करेंगे सॉल्ट। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किए। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑस्टर सॉस। अच्छा, मैंने जब ये चीज़ें ऐड करने के बाद मिक्स करके मैंने जब टेस्ट की तो मुझे थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें कम लगे। तो अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप भी एक दफ़ा चख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस और भी। Mix. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन जो हमने रेडी करके रखा हुआ था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन और वेजिटेबल्स हमारे रेडी हैं। आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अब इनमें जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे थे हम वो ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने जो हरा प्याज काट के रखा था मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। आपने वो इस स्टेज पे ऐड करना है। ओके, तो हमारी चाउमीन रेडी है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। हमारी चिकन वेजिटेबल चाउमीन रेडी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।